मुस्लिम समाजासह सर्व धर्मीय धर्मगुरु प्रेषित देवदेवतांच्या संदर्भात सोशल मीडिया आणि अन्य विविध माध्यमातून आक्षेपार्ह मजकूर पसरवले जातात. त्यांची विटंबना केली जाते. जाती धर्मात तेढ निर्माण करणारे प्रक्षोभक भाषण करून दोन समाजात तेढ निर्माण केले जातात. असे करणाऱ्यांविरुद्ध राज्य सरकारकडून नवीन कडक कायदा तयार करावा अशी मागणी शहनशाहे नाशिक कमिटीतर्फे पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. नापू से नामों से रिसालत बोर्ड के सदर अजहर मोइन मिल्लत मोइन मियां और सेक्रेटरी अल हाज मोहम्मद सईद नूरी साहब, इन दोनों शख्सियात ने जो महाराष्ट्र राज्य की आघाड़ी सरकार के पास में एक बिल की डिमांड की है, वो बिल इस तरह से है कि हमारे महाराष्ट्र में, हमारे हिंदुस्तान में जब भी कोई भी किसी भी धर्म के महापुरुषों के खिलाफ बदजबानी करता है या किसी महापुरुषों की विटंबना करता है तो ऐसे शख्सों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसा वो कानून बनाया जाए. अब ये जो तापू से लामू से रिसालत बोर्ड है, इसके जो अध्यक्ष हैं मोइन मियां, इनकी सोच इतनी नेक और इतनी अच्छी है कि इन्होंने सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं चाहा ये बिल बने, इन्होंने चाहा है कि हिंदुस्तान में बसने वाले हर समाज के लोगों के लिए ये बिल बने. अगर कहीं पर माननीय महापुरुष बाबा साहेब अम्बेडकर की विटंबना होती है, उनके खिलाफ कोई बोला जाता है, हमारे दूसरे समाज के जो भी महापुरुष है उनके बारे में अगर कुछ ऐसा गलत शब्द बोला जाता है तो महाराष्ट्र सरकार एक ऐसा कड़क कानून बनाए कि जिसके तहत उस देशद्रोही को, मैं देशद्रोही इसलिए कह रहा हूँ उसको कि देश में रह के देश के अंदर दो समाजों में तेढ़ निर्माण करना ये भी देशद्रोही से कम काम नहीं है. तो ऐसे लोगों को कम से कम 10 साल की सजा मिले, ऐसी हमारी डिमांड है. और इसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हमारे हिंदुस्तान की जितने भी समाज है उन तमाम लोगों ने हमारा साथ देना चाहिए. हमारे पास में एक फॉर्म है, वो फॉर्म अभी हजरत की इजाज़त से हम बाकी के हमारे अगर हम वतन भाई जैसे कि हिंदू दलित और क्रिश्चियन सब लोगों के पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी इस फॉर्म को भरें और हजरत मोइन मियां के इस मकसद के साथ में हमारा समर्थन, हमारा प्रोटेस्ट दाखिल करें. और एक गूगल फॉर्म लिंक है, वो मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के तमाम रहने वाले जो गंगा जमुना तहजीब के मानने वाले हैं वो इस लिंक को भर के हजरत मोइन मियां के साथ हमारी महाराष्ट्र राज्य सरकार से डिमांड करें. तुम्ही बघत आहात जनमत मराठी, जबाबदारी न्याय हक्काची.